स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति मुर्मू का देश के नाम संबोधन, कहा लहराता तिरंगा हौसले से भरता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा दुनिया में भारत का कद ऊंचा हुआ, जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा देश। कल देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा 78वां स्वतंत्रता दिवस, लगातार 11वीं बार लाल किले पर झंडा फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, भारत माता की जय की सुनाई दी गूंज। तिरंगे के रंग में रोशन हुआ इंडिया गेट, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर लगाई गई लाइट्स। 78वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारी, तिरंगे के रंग में रोशन हुआ असम विधानसभा की इमारत। राष्ट्रपति ने 103 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की, 4 को कीर्ति और 18 को शौर्य चक्र, 9 को मरणोपरांत सम्मान। एयरफोर्स के जूनियर वारंट ऑफिसर विकास राघव को मिलेगा वायुसेना मेडल। कांगड़ा में बाढ़ के दौरान 152 लोगों का रेस्क्यू किया था। शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट समेत 4 जवानों को मिलेगा कीर्ति चक्र, 3 को मरणोपरांत सम्मान। विभाजन विभीषिका दिवस पर बरसे योगी, कहा विभाजन की त्रासदी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। सीएम योगी ने कहा जो 1947 में हुआ वो बांग्लादेश में हो रहा है, अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए कोई नहीं बोल रहा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक, दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिले केंद्रीय गृह सचिव। बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर हुई चर्चा, 20 अगस्त तक तारीखों का ऐलान संभव। मिल्कीपुर सीट जीतने से कोई नहीं रोक सकता, सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। यूपी की 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर बोले मंत्री संजय कुमार निषाद, जल्द ही प्रभारी नियुक्त होंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज, अखिलेश अपनी पार्टी संभाले, 2047 तक उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। एनडीए में जाने के अटकलों पर बोले मुकेश सहनी, हम इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं। पहले पीएम निषाद आरक्षण दे, जान भी दे मांगेंगे तो दे देंगे, मुकेश सहनी का बयान। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर अटैक, कहा बिहार में कोई रोजगार कारखाना नहीं, विकास के काम ठप है। पूर्व जेडीयू नेता राम जतन सिन्हा कांग्रेस में शामिल, पवन खेड़ा की मौजूदगी में ज्वाइन की पार्टी। अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना से राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष ने दी मंजूरी। हरियाणा कांग्रेस में फूट की खबरों को कुमारी शैलजा ने बताया अफवाह, कहा चुनाव जीतना सभी का लक्ष्य। मनीष सिसोदिया का इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, कहा सोचा नहीं था 17 महीने जेल में रहूंगा, शराब घोटाला हुआ ही नहीं, ये सिर्फ मनोहर कहानियां। मनीष सिसोदिया का बड़ा दावा, कहा जमानत के लिए मुझे केजरीवाल के खिलाफ बोलने को कहा गया था। मनीष सिसोदिया ने कहा दिल्ली सरकार का नेतृत्व सिर्फ केजरीवाल ही करेंगे, पार्टी जो जिम्मेदारी देंगी उसे निभाऊंगा। मनीष सिसोदिया ने कहा एलजी और बीजेपी की कोशिशों के बावजूद न पार्टी टूटी न सरकार गिरी, केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे। कोलकाता रेप कांड को लेकर एक्शन में सीबीआई, आरोपी संजय का कराया मेडिकल, कस्टडी में लेकर की पूछताछ। सीबीआई ने क्राइम सीन विजिट कर सबूत जुटाए, सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर के नेतृत्व में हो रही जांच। सीएम ममता बनर्जी का बयान, सीबीआई जांच में पूरा सहयोग करेंगे, हम चाहते हैं केस जल्द सुलझे। बांग्लादेश की तरह अराजकता फैलाकर सीपीआईएम और बीजेपी वाले सत्ता हथियाना चाहते हैं, सीएम ममता बनर्जी का आरोप। राहुल गांधी ने कोलकाता रेप मर्डर केस को बताया विभत्स, कहा डॉक्टरों और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल। राहुल गांधी ने आरोपियों को बचाने की कोशिश पर उठाए सवाल, कहा दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज के लिए नजीर बन जाए। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर लखनऊ में मेडिकल स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। सीबीआई ने पीड़ित परिवार से भी की मुलाकात, रेप और मर्डर मामले पर बयान दर्ज किए। बंगाल विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ जताया विरोध। शुभेंदु अधिकारी ने कहा सबूत पिटाने की हो रही कोशिश, सीबीआई तुरंत एक्शन ले। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार का सवाल, कोलकाता रेप मर्डर केस में किसे बचा रही है ममता सरकार, पीड़ित परिवार के बजाय अपराधियों के साथ खड़ी है ममता बनर्जी, बीजेपी नेता गौरव भाटिया का अटैक। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का इस्तीफा देने से पहले हो गया था ट्रांसफर, आदेश का मेमो नंबर आया सामने। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की हो गिरफ्तारी, धरने पर बैठे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के छात्रों और डॉक्टर्स की मांग। कोलकाता में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने किया प्रोटेस्ट, महिला डॉक्टर की मौत पर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम ममता का फूका पुतला, सीएम के खिलाफ लगाए नारे। रक्षा मंत्री ने एनएसए डोवल और आर्मी चीफ के साथ बैठक की, जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं पर की चर्चा। फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू से मिले पीएम मोदी, कर्नाटक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में निवेश पर हुई बात। राहुल नवीन बने ईडी के डायरेक्टर, केंद्र सरकार ने की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और माइनिंग कंपनियों को बड़ा झटका, खनिज संपदा पर अप्रैल 2005 की पिछली तारीख से ले सकेंगे राज्य। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, जमानत पर अब 23 अगस्त को सुनवाई, सीबीआई को नोटिस जारी किया गया। केजरीवाल शराब घोटाले के दोषी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी बेल, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। बाहुबली अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से राहत, AK-47 समेत 2 केस में हाईकोर्ट ने किया बरी। अनंत कुमार पर बोले बिहार के मंत्री श्रवण कुमार, कोर्ट के फैसले में नहीं करना चाहिए हस्तक्षेप। दिल्ली हाईकोर्ट ने बांसुरी स्वराज को भेजा नोटिस, सोमनाथ भारती ने निर्वाचन को दी है चुनौती। जेके सीए मामले में फारूक अब्दुल्ला को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने ईडी की चार्जशीट खारिज की। यूपी के मंत्री असीम अरुण का सपा पर निशाना, कहा कन्नौज रेप केस से सपा का चरित्र फिर सामने आया।
कन्नौज रेप केस में पीड़िता की बुआ को भी बनाया आरोपी, एसपी अमित कुमार का बयान। देहरादून में चलाया गया स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान, सीएम धामी अभियान में शामिल हुए। चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, कई निर्णय पर लगी मोहर। मुंबई यूनिवर्सिटी के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट, हॉस्टल फीस 5,000 रुपए बढ़ाने पर जताई नाराजगी। त्रिची एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन, 1,53,00,000 रुपए के गोल्ड के साथ महिला यात्री अरेस्ट। दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 बनकर तैयार, 17 अगस्त से होगा ऑपरेशन। दिल्ली के करोल बाग में एक इमारत में लगी आग, गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से 6 दमकल कर्मी घायल हुए। अयोध्या में रामपथ और भक्ति पथ पर लगी लाइट चोरी हुई, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। रामपथ से लाइट चोरी होने पर भड़के सपा सांसद अवधेश प्रसाद, कहा यह तब हुआ जब खुद सीएम अयोध्या में। पंजाब के एंटी टेरर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का एक्शन, सुनील भंडारी उर्फ नाटा समेत 5 लोग अरेस्ट। मुंबई के साकिनाका में 3 साल की मासूम से दरिंदगी, 9वीं क्लास का आरोपी छात्र अरेस्ट। महाराष्ट्र के लातूर में जेसीबी की टक्कर से एक शख्स की मौत, भीड़ ने आरोपी को जमकर पीटा। राजधानी दिल्ली में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कंट्रोल रूम से हर इलाके पर कड़ी नजर। कल 1,037 पुलिसकर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर मोहम्मद गुलाम का एनकाउंटर करने वाली एसटीएफ टीम को मिलेगा राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार। भोपाल में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकली तिरंगा यात्रा, सीएम मोहन यादव भी हुए शामिल। बंगाल के नादिया में बीएसएफ जवानों ने निकाली तिरंगा बाइक रैली, हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई रैली। लखनऊ में मदरसा के छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा, मदरसा छात्रों में दिखा देशभक्ति का जज्बा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, गाड़ियों की चेकिंग कर रही है पुलिस। एमपी के जबलपुर में दिखा शानदार नजारा, नर्मदा नदी में लोगों ने निकाली तिरंगा यात्रा। कल एमपी के जेलों से 5 महिला समेत 177 कैदी होंगे रिहा, सभी आजीवन कारावास की सजा में है बंद। दिल्ली के विद्या बाल भवन स्कूल के छात्रों ने 100 फीट लंबे तिरंगे झंडे के साथ निकाली तिरंगा यात्रा। बिहार के रोहतास का तुतला भवानी झरना पर्यटकों के लिए बंद, भारी बारिश के चलते झरने ने लिया रौद्र रूप। बिहार के दानापुर में गंगा नदी में उफान, दियारा इलाके में जनजीवन प्रभावित हुआ। केंद्र सरकार का ऐलान, वायनाड लैंडस्लाइड में प्रभावितों को किराए के लिए 6,000 रुपए देगी। लैंडस्लाइड में मारे गए लोगों के परिजनों को 6,00,000 रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए देगी केरल सरकार। राजस्थान के जयपुर में कई इलाकों में बारिश, तापमान में आई गिरावट। राजस्थान सचिवालय के अंडरग्राउंड पार्किंग में टपक रहा है पानी, कई पिलर हो चुके हैं डैमेज, मेंटेनेंस का जिम्मा पीडब्ल्यूडी विभाग के पास है। जुलाई महीने में थोक महंगाई दर घटकर 2.4% पर आई, जून में 3.36% थी। देश की लीडिंग एयर कूलर कंपनी सिम्फनी की गीजा मार्केट में एंट्री, गोवा में कंपनी के विशेष कार्यक्रम में स्पा, सोना और सोल, 3 कैटेगरी के बेहद खास और आधुनिक फीचर्स वाले गीजर लॉन्च। हेयर डैमेज और स्किन को होने वाले नुकसान से बचाएंगे सिम्फनी के एडवांस गीजर, हार्ड पानी को नन बनाने के लिए स्पा और सोना कैटेगरी के गीजर्स पे 9 लेयर का फिल्ट्रेशन कार्टेज। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 2 पैसे की बढ़ोतरी, $1.8395 पर रहा। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 150 और निफ्टी 5 अंक की उछाल के साथ बंद। आईसीसी ने वनडे की बल्लेबाजी रैंकिंग जारी की, पहले स्थान पर पाकिस्तान के बाबर आजम और दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा। 17 अगस्त को पेरिस से भारत लौटेंगे रेसलर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया ने दी जानकारी। पिया श्रीजेश के सम्मान में हॉकी इंडिया का फैसला, उनकी 16 नंबर की जर्सी को रिटायर किया। ओलंपिक पदक विजेता शूटर सरबजोत को गुजरात गवर्नर ने स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित, कोच अभिषेक राणा का भी सम्मान किया। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले एथलीट और खिलाड़ियों से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कहा आप सभी पर गर्व है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह, कहा आप सभी मेरे लिए गोल्ड मेडलिस्ट हो। ढाका में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा, हथियारों से लैस जवान तैनात। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का फैसला, आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं की होगी जांच। अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को लेकर कंगना रनौत का बयान, कुछ लोग नेगेटिविटी फैलाने में लगे हैं।